दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सीमा। अगर जो आप चाहते हैं हमारे प्लांट इस तरीके से फ्लावरिंग करें हमारे गार्डन में, तो बहुत ही खुशी होती है। देखिए कितना खूबसूरत हिबिस्कस खिले हुए हैं, छोटे से गमले में है और बहुत बढ़िया से हेल्दी है, कोई भी इसमें मिलीबग नहीं लगा है, बहुत ही खूबसूरत है। और आज मेरा वीडियो एक स्पेशल वीडियो है, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और खूबसूरत आपके गार्डन में फ्लावर्स खिले हैं जो हिबिस्कस में आजकल बहुत मिलीबग लग रहा है हर प्लांट में। तो अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और लिंक को शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर जरूर प्लीज़ बढ़ाएं और वॉच टाइम आवर बढ़ाते हुए हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा मनोकामनी का प्लांट है, बहुत बढ़िया सी बर्ड्स आई हैं और कैसे आई हैं इसका राज मैं अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। ये देखिए पर्चुलिका प्लांट में बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इतना घना क्यों है, कोई भी मिलीबग नहीं लगा है, क्योंकि आजकल पर्चुलिका बहुत मिलीबग रहता है। और नीम का प्लांट बहुत हरा भरा है, अपने गार्डन में नीम का प्लांट ज़रूर लगाएं, जिससे बहुत ही एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और ये देखिए आज मेरा इसलिए वीडियो है यही है कि आपके घर में सभी लोगों के घर में हवन वगैरह होता रहता होगा, उसकी राख आप लोग फेंक देते हैं, बिल्कुल ना फेंकें। और राख का यूज़ कैसे करें, देखिए मोटी मोटी राख जो है एक आप चलनी ले लें, उसमें छाने, जब चलनी में छान लेंगे तो मोटा मोटा जो ऊपर का जो खंजर है वो आप दूसरे चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगी। इस तरीके से आप छान लें इसको मोटी छलनी से, और मोटी छलनी से छानने के बाद में देखिए इस तरीके से अगर आपके पास छलनी हो छाने, और फिर उसके बाद एक महीन छलनी से छाने, आपके घर में किचन में हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो ऐसे जब महीन महीन आप राख छान लेंगे, बहुत ही एंटीबायोटिक है, बहुत ही हमारे कीड़ों को मारने वाली राख होती है, पहले हम लोग इसी से हाथ धोते थे। और किस तरीके से इसको पेड़ों पे अप्लाई करें, और ये खंजर बचा है इसको हम और आगे बताएंगे। तो ये हमारा देखिए स्कंद कमल का प्लांट है, इसमें बहुत सारे मिलीबग लगे हैं, देखिए अब जूम करके दिखाती हूँ। और इसमें कैसे अप्लाई करें, हर पौधे में अप्लाई करें इस तरीके से, महीन पिसी राख को, मैदे की तरह राख है, इस तरीके से अपने पौधों में डालें जहाँ पर मिलीबग लगा हुआ है, राख से एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। हमारे पहले के ज़माने में हम लोग सेम वगैरह का प्लांट होता था, इसमें राख छिड़कते थे, क्योंकि काला काला जब कीड़ा लग जाता है, और हमारे हिबिस्कस प्लांट जितने हैं पीले पीले हो गए हैं और कुछ इसमें रोग लगा है, तो इस तरीके से आप छिड़काव करें राख का, हर प्लांट में राख का छिड़काव करें, तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा आपके पौधों के लिए, बढ़िया बढ़िया सी बर्ड्स लगेंगे। देखिए जिस तरीके से हमारे प्लांट में जितने भी प्लांट हैं आपके गार्डन में राख छिड़क दें, राख छिड़कने से हमारे पौधे में जो महीन महीन कीड़े लग जाते हैं, जो मिली बग लग जाते हैं, जो काले कीड़े लग जाते हैं, हमारे पास कमेंट आते रहते हैं, उसका मैं आज आप लोगों को अपडेट दिखा रही हूँ कि आप लोग हर पौधे में राख डालें। और मैं अपने गार्डन में पूरे विजिट कर रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ कहाँ पे हमारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें हमें राख डालनी है। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर खिले हैं, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। ये हरा